हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और फ्रेंड्स, अभी शाम का समय हो रहा है तो देखिए सभी बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। मिट्टी में खेलना इनको बहुत अच्छा लगता है और हम सभी तो मिट्टी में खेल के ही बड़े हुए हैं। मिट्टी में खेलना तो हमें बहुत पसंद था, लेकिन अभी मम्मी बन गए हैं तो बच्चों को मना करते हैं, मिट्टी में मत खेलो, कपड़े गंदे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कह के मना कर देते हैं मिट्टी में खेलने से बच्चों को। और जब हमारी मम्मी मना करती थी कि मिट्टी में मत खेलो, कपड़े गंदे होंगे, ये होगा होगा, तो हमें बहुत बुरा लगता था, मम्मी क्यों मना करती है मिट्टी में खेलने से। लेकिन अभी समझ में आता है कि मम्मी कुछ अच्छा ही सोचती थी हमारे बारे में, इस कारण से मना करती थी। और मिट्टी में खेलना देखिए गलत बात नहीं है, मिट्टी में खेलना तो अच्छी बात है, उससे शरीर और बढ़िया होता है, मजबूत बनता है मिट्टी में खेलने से। लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारा गंदगी है, थोड़ा सब देखे गए होंगे वीडियो में, और ईंट भी रखी हुई है, और अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है तो थोड़ा सा डर लगता है, इस कारण से बच्चों को मैं मना करती हूँ यहाँ पर खेलने से। और सभी लोग मना करते हैं लेकिन बच्चे सुनते हैं कहाँ, बिल्डिंग के पास खेलने बोलो तो खेलते ही हैं बिल्डिंग के पास है, लेकिन जब तक आप देख रहे हो जब तक खेलेंगे, जैसे आपने नज़र हटाई फटाक से यहाँ मिट्टी के पास पहुँच जाते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैं कहीं जा रही हूँ, तो कहाँ जा रही हूँ वो आप सबको आगे वीडियो में पता चलेगा। और मेरे साथ आयशा भी जा रही है, आयुष नहीं जा रहा है, उसने जाने से मना कर दिया, उसने बोला मम्मी तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं पर अपने दोस्तों के साथ खेलूँगा। और मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, यहीं पास में ही जा रही हूँ, इस कारण से उसने मना किया है। अगर मैं मार्केट जाती तो फिर वो ज़रूर जाता मेरे साथ, और उसको खेलने की धुन भी सवार थी, इस कारण से भी उसने मना किया है। तो अभी मैंने उसको अपनी बिल्डिंग के पास भेजा कि जाओ अपनी बिल्डिंग के पास खेलना, यहाँ मिट्टी के पास मत खेलो, यहाँ पर चोट लग जाएगी, ईंट रखे हुए हैं। तो उसके दोस्तों को और उसको सभी को मैंने भेजा है वहाँ पर खेलने के लिए। अगर उसको भेजती सिर्फ तो नहीं हो जाता, तो उसके सभी दोस्तों को मैंने भेजा है, तो वहाँ पर गया खेलने के लिए। देखिए कब तक वहाँ पर खेलता है अपनी बिल्डिंग के पास, हो सकता है मिट्टी के भी पास आ जाए। और यहाँ पर देखिए हरे भरे पौधे लगे हुए हैं, तो इस समय दिखा रही थी आप सभी को। और देखिए यहाँ से एक गली गई हुई है, पतली सी गली है, ज़्यादा चौड़ी गली नहीं है। और देखिए आयशा आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने बिल्डिंग के पीछे, और हमारे बिल्डिंग के पीछे ना एक बहुत बड़ी कॉलोनी है। तो ये देखिए कॉलोनी में किस तरह के घर बने हुए हैं, कॉलोनी में भी बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए रहते हैं, तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ अच्छे से, हालांकि पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी, तो जितना दिखा पाऊँगी उतना जरूर दिखाऊँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह के घर बने हुए हैं, और जो कॉलोनी के रास्ते होते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं पड़ते बिल्कुल भी। ये देखिए किस तरह का रास्ता है, मतलब कहीं गड्ढा है कहीं ऊँचा है, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालाँकि कॉलोनी तो अच्छी रहती है, मतलब वहाँ पे रौनक लगी बनी रहती है, फ्लैटों में ऐसा नहीं होता है, बस सब अपने अपने फ्लैट के अंदर रहते हैं। और अभी देखिए मैं अपने बिल्डिंग के पास पहुँच गई हूँ, ये देखिए ये हमारा बिल्डिंग का पीछे का गेट है, तो ये बंद था, इस कारण से मुझे उधर से घूम कर आना पड़ा मेन गेट की तरफ से गली के होते हुए, तो इधर मैं आई हूँ। अगर ये खुला रहता तो फिर मैं इधर से ही निकल जाती, लेकिन ये ना बंद रहता है, हमेशा बंद रहता है, बस कभी कभी खोला जाता है, जब कुछ इमरजेंसी काम होता है तब खोला जाता है, ऐसे तो बंद ही रहता है। और यहाँ देखिए बहुत सारे ईंट रखे हुए हैं, शायद रोड बन रहा है और किसी का घर भी बन रहा है, तो पता नहीं कहाँ लगाया जाएगा, मुझे नहीं पता। हालांकि ये तो रोड पे बिछने वाले ईंट हैं जो वाइट वाले हैं, और लाल वाले तो घर बनने वाले हैं। तो यहाँ देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं, शाम का समय हो गया है, और देखिए इधर भी घर बन रहे हैं, तो घास पात निकल गए, अभी बरसात का समय है ना, तो घास पात सारे निकल पड़े हैं, और पिलर वगैरह इसमें दिया हुआ है, पता नहीं किसका घर है मुझे नहीं मालूम। मैं तो इधर जल्दी आती भी नहीं हूँ, बहुत कम आती हूँ, कभी कभी कुछ काम होता है तभी। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए ये सरकारी स्कूल है, तो छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये देखिए कुछ इस तरह का है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी गाय भी बांधी हुई है, तो ये गाय इन्हीं का है जो सामने घर दिखाई दे रहा है आप सभी को, हरा कलर वाला उन्हीं का गाय है। और देखिए मुझे जहाँ आना था वहाँ मैं आ गई हूँ, तो ये देखिए एक कमरा है, तो उसी को मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। और ये जो घर है, ये मैंने आप सभी को गाय दिखाया, वहाँ पर ये घर नहीं है, वहाँ से कुछ दूरी पर है, लेकिन मैंने आते हुए वहाँ से फिर वीडियो नहीं बनाया था, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर बनाया है वीडियो। और देखिए ये कमरा है, मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, वो भी मैं बताऊँगी आप सभी को। पहले आप इसको देखिए आराम से और बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो ये देखिए इस तरह का कमरा है, और इसमें कुछ भी नहीं है, अलमीरा वगैरह कुछ भी नहीं बना है, ना टार है, कुछ भी नहीं है, बस सीधा सा कमरा है एक लंबा सा। और देखिए एक छोटा सा किचन है, घर तो अच्छा बना हुआ है, मतलब अच्छे से टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं। और देखिए किचन है, तो अभी इसमें कोई भी नहीं रह रहा है, खाली पड़ा हुआ है, इसलिए इसमें सामान जिस तरह से पड़ा हुआ है, ये देखिए कोई खाली करके गया है शायद, इस कारण से इस तरह को रखा है। और इसकी जो मकान मालकिन है वो ऊपर रहती है, और ये नीचे का है, तो देखिए कुछ इस तरह का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक कमरा है और एक किचन है और एक बाथरूम वगैरह है, तो उसमें क्या क्या है वो आप समझ सकते हैं बाथरूम में। और बाकी देखिए जैसे जीना गया हुआ है,
बीच में से, देखिए बाथरूम है और एक बाहर बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है। तो बस इतना ही है, जो भी है इतना ही है। और मैं इसलिए यहाँ पे आई थी कि मुझे एक कमरा चाहिए था, इस कारण से मैं अपने लिए कमरा ढूंढ रही थी, इसी कारण से मैं आई थी। और मेरे हस्बैंड भी ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ढूंढ रही हूँ, वो भी ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको उतना टाइम नहीं रहता है। तो इस कारण से मैं भी देखने आ गई कि चलो हो सकता है कॉलोनी में मुझे अच्छा कुछ मिल जाए, क्योंकि कॉलोनी बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए रहते हैं। और अभी देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ, ऊपर भी देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि किस तरह का क्या है। और ये देखिए जो आपको ऊँची ऊँची बिल्डिंगें दिख रही है, ये हमारी बिल्डिंग है। तो बस मैं अपनी बिल्डिंग के पीछे ही आई हूँ, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ अच्छे से, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स मैंने सभी चीज़ों का अच्छे से देख लिया है, नीचे का कमरा भी अच्छे से देख लिया है और ऊपर छत पे भी आके छत को भी देख लिया है, छत किस तरह से बना हुआ है, सेफ्टी है या नहीं है, क्योंकि साथ में दो दो बच्चे हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए हर चीज़ को देखना पड़ता है। और मैंने सभी चीज़ें आप सभी को दिखाया है वीडियो में, बस मैंने जीना नहीं दिखाया आप सभी को। तो मैं जीने के बारे में बता दूँ, जीने पर रेलिंग नहीं लगी हुई है, जीना हालाँकि अच्छा बना हुआ लेकिन रेलिंग नहीं लगी हुई है, तो वो सेफ़ नहीं है, मुझे उतना पसंद नहीं आया। लेकिन लास्ट डिसीजन तो फिर मेरे हस्बैंड ही लेंगे, तो मैं उनको दिखाऊंगी, देखियो क्या बोलते हैं। और अभी मैं अपने बिल्डिंग के पास आ गई हूँ, तो देखिए अब हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है। और आते समय मैंने रास्ते का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं उसी रास्ते से आई थी जिस रास्ते से गई थी, तो इस कारण से मैंने नहीं बनाया। और ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है वीडियो में, पता नहीं क्यों इतना अंधेरा दिख रहा है। तो अभी मैं अपने घर के पास आ गई हूँ, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को